आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं, वो मुद्दा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा को लेकर के जुड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह की सुरक्षा घटा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया कि मनमोहन सिंह को जो सुरक्षा मिल रही थी, उस सुरक्षा को कम किया जाए, और कम करने के बाद उन्हें निचली श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। देश के जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, उन सभी को SPG सुरक्षा संरक्षण मिलता है। SPG सुरक्षा संरक्षण देश का सर्वोच्च सुरक्षा संरक्षण है। मतलब जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें जो सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, वो SPG कहलाती है, जो इस वक्त देश के अंदर सिर्फ 4 लोगों को मिली हुई है। क्यों? पहले मनमोहन सिंह को मिली हुई थी, अब उनके ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके अलावा 4 लोगों को ये मिली हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके अलावा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी हैं। इन 4 लोगों को अभी तक SPG मिली हुई है, और बाकायदा आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। SPG के लिए बाकायदा एक अधिनियम बनाया गया था 1988 में, जिसको SPG अधिनियम 1988 कहा जाता है। इसके मुताबिक SPG बाकायदा सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, पूरा एक सर्वेक्षण करती हैं, उसको लेकर के मीटिंग्स होती हैं, और ये फैसला किया जाता है कि किसको कौन सी सुरक्षा दी जानी है, उसके बाद ही सुरक्षा दी जाती है। तो अब 4 लोगों के पास SPG है। मनमोहन सिंह की सुरक्षा जो है वो घटा दी गई है। पहले उनके पास SPG हुआ करती थी, अब उनके पास Z+ सिक्योरिटी होगी। हालांकि जो कानून है, SPG का जो कानून है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो SPG को 1991 में जो SPG का कानून होता था, उसको तब्दील किया गया था जब राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई थी। तो ये कानून बनाया गया कि जो भी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, उन सभी को 10 साल तक SPG सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 2003 में, तो इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद ये तय किया गया कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री को कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। 1 साल पूरी होने के बाद उस पर बाकायदा सर्वेक्षण किया जाएगा कि क्या वाकई में दोबारा से 1 साल और बढ़ानी चाहिए। यदि सुरक्षा एजेंसीज को लगेगा कि हाँ, सुरक्षा फिर से बढ़ाई जानी चाहिए, तो वो सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इसी तरह से मनमोहन सिंह की सुरक्षा हर साल बढ़ाई जा रही थी। SPG 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे, उसके बाद 2015 तक रहना स्वाभाविक तौर पर था कि 1 साल तक, क्योंकि सुरक्षा उनके पास रहनी ही थी। उसके बाद हर साल उनकी SPG सुरक्षा बढ़ा दी जाती थी 1 साल के लिए, लेकिन इस बार ये फैसला किया गया कि अब उनको SPG सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि उनको अब Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, और SPG सुरक्षा सिर्फ देश के 4 लोगों के पास रह जाएगी। हालांकि देश के जो सबसे मजबूत आदमी माने जाते हैं मोदी जी के बाद, अमित शाह के पास भी SPG सुरक्षा कवच नहीं है, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगे सरकार अब फिर से बदलाव करेगी, या फिर Z+ सिक्योरिटी के बाद किसी और को SPG मिल सकती है, क्योंकि मनमोहन सिंह से SPG छीनी गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मनमोहन सिंह की सुरक्षा बदल करके किसी और के हाथों में जाने वाली है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।